हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल सीजीएस कोचिंग। आज आपकी क्लास बहुत ही खास होने जा रही है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग बात करेंगे साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला आपके सामने है, द स्मॉलेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल आर। ऑप्शन है एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड यीस्ट। यानी आपसे पूछा गया है कि कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा जीव कौन सा होता है, तो इसका सीधा सा जवाब हो जाएगा बैक्टीरिया, इट मींस जीवाणु, क्योंकि पिलेगोबैक्टर उबिक नाम का एक ऐसा जीवाणु होता है जो कि बहुत छोटा साइज होता है, जिसका साइज नैनोमीटर्स में होता है। साथ ही ये संसार में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला बैक्टीरिया होता है। तो आपका जवाब हो जाएगा पहले का, क्वेश्चन नंबर वन का, बैक्टीरिया या फिर जीवाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें पूछा गया है, व्हेन सीएनजी और एलपीजी अंडरगोज कंप्लीट कंबसन द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर। यानी कि जब सीएनजी और एलपीजी पूरी तरह से दहन हो जाता है, जल जाती है, तो उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो आप ये जान लीजिएगा कि इनका फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सीएनजी का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी का होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ध्यान दीजिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी ऑप्शन में होता है, पर आपको करना है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। खैर, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है इन दोनों के जलने से कौन सा उत्पाद होता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सीएनजी और एलपीजी दोनों ही हाइड्रोकार्बन है, और जब भी हाइड्रोकार्बन जलते हैं, दहन होते हैं, तो आपको प्रोडक्ट मिलता है CO2 और H2O, इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। तो क्वेश्चन नंबर टू का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, CO2 और H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, द SI यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज। यानी कैलोरी मान का SI मात्रक पूछा गया है, तो इससे पहले जान लेते हैं ये होता क्या है। कैलोरी मान का मतलब होता है किसी भी फ्यूल, किसी भी ईंधन के यूनिट मास को अगर हम बर्न करें तो हमें कितना अमाउंट ऑफ हीट मिलेगा, इट मींस हीट अपॉन मास। अब आप देखिएगा, मास का जो हमारा SI यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, और हीट का SI यूनिट जूल होता है। तो सीधा सा आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 4, जूल पर kg। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सुगर्स इंटू एल्कोहल इज नोन एज। देखिए, ये तो आपको पता होगा, आपने सिरका बनाने के बारे में सुना होगा कि गन्ने के रस से सिरका बनता है। तो क्या प्रोसेस होता है भाई, सिरके को हम, गन्ने के रस को हम सड़ा देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं किण्वन। सड़ाने की प्रोसेस को ही हम वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, किण्वन या फर्मेंटेशन। तो ठीक उसी तरीके से जिस तरह से सिरका बनता है, उसी तरीके से आपका गन्ने के रस से अल्कोहल बन जाता है। इसका जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 3, किण्वन यानी फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैन बी करेक्टली आइडेंटिफाइड विद राइजोबियम। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको समझना होगा राइजोबियम के बारे में। राइजोबियम क्या है? राइजोबियम एक तरह का बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, जो कि फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, यानी ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को पौधों तक पहुंचाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा, आप देखिए कौन सा ऑप्शन है जहां पे ये तीन, इनसे मिलते जुलते तीन शब्द कहे गए हैं। तो आप ऑप्शन नंबर 3 में देखिएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसकी हमने चर्चा करी, रूट नोडल्स माने जड़ में पाया जाता है, लिग्मिनस प्लांट किसकी, जो फलीदार पौधे होते हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा भाई, नाइट्रोजन फिक्सेशन, रूट नोडल्स एंड लिग्मिनस प्लांट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर शोज 5 स्मॉल डिविजन्स बिटवीन द मार्किंग्स ऑफ 55°C एंड 56°C, दिस मीन्स दैट द थर्मोमीटर कैन रीड करेक्टली अप टू। तो देखिए, सीधा सा सिंपल इसमें आपको समझना यह है कि 55°C से 56°C के बीच में अगर हम 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो हमें कौन कौन से मार्क्स मिलेंगे। तो हमें मिलेंगे 55.0 के बाद 55.2, देन 55.4, देन 55.6, फिर 55.8 और देन लास्ट में 56.0। तो जो मैंने अभी तक बोले इनमें से कौन सा आ रहा है, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ऑप्शन 4, 55.2°C। तो ये जो थर्मामीटर है वो ऑप्शन नंबर 4 को रीड करेगा, 55.2°C को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट। अब इसका बहुत ही आसान जवाब दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स माने हो गया आपका प्रतिजैविक। तो ये किसके खिलाफ काम करता है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है। तो ऑप्शन में जो बीमारियाँ वायरस से होने वाली हैं वहाँ पर तो काम करेगा नहीं, ठीक है, जैसे हेपेटाइटिस, डेंगू और इन्फ्लुएंजा, ये वायरस से होने वाली बीमारियाँ हैं, तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का कोई काम नहीं है। ये जो कॉलरा है ये बैक्टीरिया से होता है, एक बैक्टीरिया होता है विब्रियो कॉलेरी, वहाँ उसकी वजह से कॉलरा होता है, तो यहाँ पे ये काम करेगा। तो आप कह सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज कॉलरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द राइट अमाउंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स आर। यानी मांसपेशियों के ठीक से काम करने के लिए हमें कौन से मिनरल्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक मिनरल होता है हमारा सोडियम,
जो कि कोशिकीय दाब को नियंत्रित करता है, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, सेलुलर प्रेशर को नियंत्रित करता है। उसके अलावा जो पोटेशियम होता है ये तंत्रिका आवेग यानी जो दिमाग से जो आदेश जाते हैं मांसपेशियों के, तंत्रिका आवेग वगैरह को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे दो आपका किस ऑप्शन में दिए हैं, सोडियम और पोटेशियम, जो कि थर्ड ऑप्शन में है, सोडियम और पोटेशियम। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीईटी बॉटल्स आर जार्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग एडिबल आइटम्स, पीईटी इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ, यानी पीईटी से रिलेटेड क्या है। तो देखिए पीईटी होता क्या है, पीईटी एक प्लास्टिक का एक तरह का टाइप है। प्लास्टिक दो तरह का होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दूसरा थर्मोप्लास्टिक। जो नरम या जो मुलायम प्लास्टिक होता है जिसको जलाने से जो पिघल जाती है उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, और उसी से रिलेटेड होता है पीईटी। तो जो हमारा जो थर्मोप्लास्टिक है उसी से रिलेटेड एक और टर्म होता है पॉलिएस्टर। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब हो जाएगा पॉलिएस्टर, पीईटी जो है वो पॉलिएस्टर से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स, यानी कि किसी जो चालक है, तार है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें उत्पन्न होने वाली ऊष्मा किस चीज़ से रिलेट करती है। आपको पता होगा जब भी आपको पढ़ाया होगा फिजिक्स में कि जब भी किसी तार में या कंडक्टर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो वो हीट हो जाता है, उसमें गर्म हो जाता है, उसमें टेम्परेचर राइज कर जाता है। तो उस वो सीधे सीधे रिलेट करता है रेजिस्टेंस से, और जो रेजिस्टेंस है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपका जो कंडक्टर का मटेरियल, उसका लेंथ और उसकी थिकनेस। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा मटेरियल लेंथ एंड थिकनेस, यानी पदार्थ किस पदार्थ का कंडक्टर बना है, उसकी लेंथ कितनी है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, दैट इज मोटाई। तो जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन 1, हिंदी में बात करें तो पदार्थ लंबाई और मोटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर दैट कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखिए ये इस क्वेश्चन का जवाब देना बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे। पहले ऑप्शन में ऑक्सीजन है, तो और कोई हो ना हो लेकिन ऑक्सीजन तो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं करेगा, जाहिर बात है तो अच्छी गैस आप कह सकते हो अपने काम की है। थर्ड ऑप्शन में भी ऑक्सीजन है तो ये भी जवाब नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये नहीं होगा, क्योंकि ये एसिड ड्रेन के लिए जिम्मेदार होती है, ना कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो आपका इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मेथेन, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस जो इफेक्ट है क्रिएट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू क्लियर लाइम वाटर सॉल्यूशन इट टर्न्स मिल्की, द मिल्की अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर इज ड्यू टू। आपने देखा होगा लाइम वाटर माने चूने का पानी, जब चूने के पानी में हम कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लो करते हैं तो वो दूधिया हो जाता है, सफ़ेद रंग का हो जाता है। तो किस वजह से होता है भाई, तो इसका जवाब हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सफ़ेद रंग का होता है और ये पानी में घुलता नहीं है, तो न घुलने की वजह से इसका जो सफ़ेद जो वाइटनेस है वही हमको नज़र आती है दूधिया रंग के रूप में। तो जवाब हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीज्ड एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज्ड देन क्या होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, फ्रीक्वेंसी को कम किया जा रहा है और जो एम्पलीट्यूड है उसको बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें बोलूँगा आपको, एक तो यहाँ पे टर्म आ रहा है पिच, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो पिच डिक्रीज कर जाएगा। दूसरा जो एम्पलीट्यूड है वो लाउडनेस से रिलेट करता है, तो सीधे सीधे आप कह सकते हो कि यहाँ पे चूँकि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो रही है तो पिच डिक्रीज़ हो जाएगी, और एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए लाउडनेस इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट में इसका आंसर दिया हुआ है, पिच डिक्रीजेज एंड बट लाउडनेस इंक्रीजेज, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड फाइबर इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, यानी कि कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं। यहाँ पे जो कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है रेयॉन, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 जवाब हो जाएगा, और रेयॉन जो है वो सेलुलोज का बना हुआ एक कृत्रिम रेशा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, द डाइटरी फाइबर्स आर, यानी आहारी तंतु क्या है। देखिए जो जो भोजन से संबंधित पौधे होते हैं उनका कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो मनुष्य का पाचन तंत्र से तोड़ नहीं पाता है, उसे ब्रेक नहीं कर पाता, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं रुक्षांश, ठीक है, या उनको हम आल्सो कॉल्ड रफेज कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, द गैस विच फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इन द ब्लड कॉजिंग सफोकेशन इज। आपने देखा होगा जब आपके आस पड़ोस में कोई स्मोकिंग कर रहा होता है तो वहाँ पे आपको सफोकेशन होने लगता है, घुटन होने लगती है, और मोस्टली जब स्मोकिंग हो रही होती है खासकर जैसे सिगरेट वगैरह से, तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो निकलती है। तो यही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जब आपके ब्लड के संपर्क में आती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है हीमोग्लोबिन के साथ में। तो यहाँ पे आप कह सकते हो इसका जवाब हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन 4, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द
फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू अर्थक्वेक इज नॉट करेक्ट, भूकंप से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ऑप्शन टू रिक्टर स्केल रैखिक नहीं है, लघुगणक है, सही जवाब है। भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति फोकस से होती है, ये भी सही है, और इसका रिकॉर्ड सीस्मोग्राफ कहा जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन वन में कहा गया है द सीस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स द सीस्मोग्राम, देखिए यहाँ पे उल्टी बात कही गई। अगर ये ऐसे लिखा होता है द सीस्मोग्राम रिकॉर्ड्स सीस्मोग्राफ तो सही होता है। सीस्मोग्राम डिवाइस का नाम है, और सीस्मोग्राफ क्या है, वो जो डिवाइस जो आपको डेटा ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करती है वो सीस्मोग्राफ है। तो उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर वन जो है वो फाल्स है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर वन द सीस्मोग्राफ रिकॉर्ड है सीस्मोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, निम्न से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण। तो पहले समझ लीजिए समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण वो होता है जो जिसका पूरा एक समान हो रहा है, जो संगठन है, रासायनिक संगठन है, बनावट है, वो एक समान हो, ठीक है, और जिसका एक समान नहीं होता उसे हम विषमांगी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है एयर, जैसे ब्रास और स्टेनलेस स्टील, पहले इसको समझ लीजिए, ये दोनों ही मिश्र धातु हैं, एलॉय है, तो जितनी भी एलॉयज होती है वो सारी समांगी मिश्रण में आती है, क्योंकि लगभग एक समान होते हैं पूरा उनका सारा का, उनके उस पदार्थ के हर एक भाग का जो स्ट्रक्चर है वो बनावट केमिकल जो है डिस्ट्रीब्यूशन समान होता है। एयर फिल्ड इन द बैलून, एयर चाहे बैलून में हो चाहे बाहर, वो भी समांगी मिश्रण में आती है। फोर्थ ऑप्शन इसमें दिया आयोडाइज टेबल साल्ट, ये जो टेबल साल्ट है आयोडाइज, ये दो चीज़ों मिलकर बना होता है, दो कंपाउंड से, एक आपका आयोडीन दूसरा सोडियम क्लोराइड, तो ये आपका समांगी नहीं होता है, इसका वितरण एक समान नहीं होता है, तो ये आपका ये विषमांगी हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ऑप्शन फोर जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल विच रिसीव्स बाइल जूस फ्रॉम द लिवर एंड स्टोर्स इट इन गॉल ब्लैडर। आपने देखा होगा जब भी हमको एसिडिक फूड लेते हैं तो जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लीवर से जो है बाइल जूस कलेक्ट करके उसको पैनक्रियाज में पहुंचा देती है, तो इसका यहाँ पे जवाब हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ सेट ऑफ थ्री मेटल्स विच आर फाउंड इन फ्री स्टेट, हमें उन धातुओं का समूह पता करना है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। अब जैसे एक तो यहाँ पे जहाँ पर भी आयरन दिया हुआ है, आयरन हमारा मुक्त अवस्था में नहीं होता है, ठीक है, ये आयस के रूप में होता है, वहाँ से हमें इसको अलग करना होता है, ठीक। जो भी हमें खनिज आयस के रूप में धातु होगी वो मुक्त अवस्था में नहीं मानी जाएगी, तो सेकंड ऑप्शन हो नहीं सकता, इसमें आयरन दिया हुआ है, ठीक है। एल्यूमिनियम भी आयस के मिलता है वो भी, इसलिए ऑप्शन वन इनकरेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन थ्री भी बाहर हो जाएगा आयरन की वजह से। ऑप्शन फोर इसका देखिए सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये तीनों ही धातुएँ किसी आयस या खनिज के रूप में नहीं मिलती हैं बल्कि मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन फोर सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम, यानी सोना चांदी और प्लेटिनम। तो इसी के साथ ये क्लास आज आपकी कंप्लीट होती है, यहाँ पे आपको बहुत ही टॉप क्लास के जो क्वेश्चन थे आपको डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपसे फिर से ऐसी क्लास के साथ मिलूंगा, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।